हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रज्ञा कुलकर्णी गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनोमस कॉलेज दुर्ग में पदस्थ हूँ। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको फंजाई में होने वाली दो विशिष्ट घटनाएं हेट्रोथैलिज्म और पैरासेक्सुअलिटी को समझाऊंगी। यह आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर वन बॉटनी के सिलेबस में यूनिट थ्री का हिस्सा है। चलिए देखते हैं हेट्रोथैलिज्म। हेट्रोथैलिज्म इस टर्म को सबसे पहले एक अमेरिकन वैज्ञानिक ब्लैक्सली ने 1904 में प्रस्तुत किया। ब्लैक्सली बहुत सारे म्यूकरल्स लोअर फंजाई पर काम कर रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ फंगल स्पीशीज़ नॉर्मली जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं कर पाती हैं और कुछ विशेष परिस्थितियों में उनको ग्रो कराने पर ही वो राइजोस्पोर का फॉर्मेशन करती है। उन्होंने देखा कि ये म्यूकरल्स के कुछ खास स्पीशीज़ में ही ये घटना होती है। उन्होंने राइजोपस को बहुत ज़्यादा स्टडी किया और देखा कि राइजोपस की अलग अलग स्ट्रेन्स को जब मेट कराया जाता है, जब उनमें फ्यूजन कराया जाता है या उनको एक साथ ग्रो कराया जाता है, तभी वो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करती हैं, अन्यथा वो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं करती। अतः उन्होंने इस घटना को समझाया। उन्होंने बताया कि कंडीशन इन विच जाइगोस्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन माइसीलिया अराइजिंग फ्रॉम एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट मेटिंग टाइप्स आर अलाउड टू इंटरैक्ट। उन्होंने जेनेटिकली डिफरेंट मेटिंग टाइप्स के दो एसेक्सुअल स्पोर को, एक को पॉजिटिव स्ट्रेन और एक को निगेटिव स्ट्रेन कहा, और बताया कि जब तक पॉजिटिव और निगेटिव स्ट्रेन वाले दो अलग अलग एसेक्सुअल स्पोर से जन्म लिए माइसीलिया के बीच फ्यूजन होगा, तभी जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। इस टेबल में हम देखें होमोथेलिक और हेट्रोथेलिक। नॉर्मल माइसीलियम जो सामान्य तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनको हम कहेंगे होमोथेलिक। ये होमोथेलिक स्पीशीज़ है जिसमें कि माइसीलिया को दूसरे मेटिंग टाइप की ज़रूरत नहीं पड़ती और आसानी से वो एक ही जगह पर जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं और नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। हेट्रोथेलिक फंगस में माइसीलिया को दो अलग अलग ओरिजिन वाले माइसीलियम की ज़रूरत पड़ती है और उनके फ्यूशन से ही जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। होमोथेलिक फंगस में देखा गया कि माइसीलियम बायसेक्सुअल नेचर का होता है और हेट्रोथेलिक फंगस में देखा गया कि माइसीलियम यूनिसेक्सुअल होता है, एक पॉजिटिव स्ट्रेन और एक निगेटिव स्ट्रेन कहलाता है। इस चित्र के माध्यम से हम देखें कि एक पेट्री प्लेट में, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, एक पेट्री प्लेट में जब हम दो अलग अलग मेटिंग टाइप के माइसीलियम को एक साथ ग्रो करेंगे तो इनके जंक्शन पर, जहाँ पर ये दोनों माइसीलियम एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं, इस जंक्शन पर ही जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा और अन्य जगहों पर जहाँ एक ही तरह के माइसीलिया एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं वहाँ जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये एक और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ हम इमेजिन कर सकते हैं कि ए, बी, सी, डी और ई, पांच तरह के फंगस एक साथ एक ही पेट्री प्लेट में ग्रो हो रहे हैं। ए जो है वो पॉजिटिव नेचर का, बी निगेटिव नेचर का, सी पॉजिटिव नेचर का, डी निगेटिव नेचर का और ई फिर से पॉजिटिव नेचर का। इनके बीच जब जंक्शन पॉइंट्स बनेंगे उन्हीं उन्हीं जगहों पर जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। जैसे ए पॉजिटिव और बी निगेटिव, यहाँ पर जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। बी निगेटिव, सी पॉजिटिव है, इनके बीच यहाँ जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। सी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव है इसलिए यहाँ जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। सी पॉजिटिव, डी निगेटिव है तो इस जंक्शन पर जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। ए पॉजिटिव और डी निगेटिव है तो यहाँ पर जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। डी निगेटिव और ई पॉजिटिव है तो इस जंक्शन पर जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है और अंत में ई पॉजिटिव और ए पॉजिटिव है इसलिए यहाँ जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। हालांकि ब्लैक्सली ने जो रिपोर्ट किया उन्होंने केवल म्यूकरल्स फैमिली में ही इस फिनोमेना को देखा, पर आगे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने स्टडी की और देखा कि और अन्य फंजाई में, जैसे कि रस्ट फंजाई, स्मट में, होलोबेसिडियोमाइसिटिडी के मेंबर्स में और अन्य फंगल ग्रुप्स में भी इस तरह के फिनोमेना को देखा जा सकता है। हालांकि ये फिनोमेना थोड़ा अलग अलग तरह से होता था, पर एक बेसिक रूल सभी में एक जैसे था जिसमें कि दो अलग अलग तरह के माइसीलियम के बीच कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी था।
इस आधार पर जब स्टडीज हुई तब पता चला कि इस हेटरोथेलिज्म को हम दो हिस्सों में, दो प्रकारों में बांट सकते हैं। तो अब हम देखें टाइप्स ऑफ हेटरोथेलिज्म। पहला टाइप है मॉर्फोलॉजिकल हेटरोथेलिज्म। यहाँ पर जो मेटिंग टाइप्स या जो गेमीट्स है, जिसको कि हम पॉजिटिव या निगेटिव कह सकते हैं, ये मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे हैं, आकार के रूप में ये एक जैसे हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं और उनको आसानी से मेल और फीमेल के रूप में पहचाना जा सकता है। एग्जाम्पल्स हैं इनके एक्लिया में, एक्लिया बाइसेक्सुअलिस, ब्लास्टोक्लेडिलिया, डिक्टियोकस, फाइटोफ्थोरा, परनोस्पोरा आदि। दूसरा तरह का हेट्रोथेलिज्म है फिजियोलॉजिकल हेट्रोथेलिज्म। इसमें जो गेमीट्स हैं मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, बट स्वभाव से फिजियोलॉजिकली ये अलग अलग है। इस स्वभाव के आधार पर इस तरह के हेट्रोथेलिज्म को हम फिर दो हिस्सों में बांट सकते हैं, दो प्रकारों में जान सकते हैं। पहला है टू एलील हेट्रोथेलिज्म, जहां पर दोनों मेटिंग टाइप्स जेनेटिक कैरेक्टर अलग अलग आइडेंटिफाई होंगे, जिसको कि कैपिटल ए और स्मॉल ए से हम दर्शा सकते हैं। ये एक कॉमन लोकस पे पाए जाएंगे, एक ही कॉमन लोकस पर ये पाए जाएंगे, जिसमें कि ए जो होगा वो डोमिनेटेड होगा बी के ऊपर, और ए को हम पॉजिटिव और स्मॉल ए को हम निगेटिव कह सकते हैं। जो माइसीलिया पॉजिटिव है वो निगेटिव के साथ मेट करेंगे, दो माइसीलिया जो पॉजिटिव पॉजिटिव है उनमें मेटिंग नहीं होगी, और दो निगेटिव निगेटिव है उनमें मेटिंग नहीं होगी। अर्थात दोनों पॉजिटिव आपस में सेल्फ स्टराइल, दोनों निगेटिव आपस में सेल्फ स्टराइल होंगे या सेल्फ इनकम्पैटिबल होंगे। ये एग्जाम्पल मिलता है एस्कोबोलस की स्पीशीज में, पक्सीनिया, न्यूरोस्पोरा, म्यूकर, अस्टिलेगो, पक्सीनिया की और स्पीशीज और म्यूकर म्यूसिडो में। उसी का दूसरा है मल्टीपल एलील हेट्रोथेलिज्म। इस तरह में हमारे जो पॉजिटिव निगेटिव एलील्स हैं, ये दो एलील्स, अलग अलग एलील्स पर पाए जाएंगे, वो या तो बायपोलर हो सकते हैं या टेट्रापोलर हो सकते हैं। बायपोलर मल्टीपल एलील हेट्रोथेलिज्म में जो मल्टीपल एलील्स हैं वो एक ही लोकस पर पाए जाएंगे। जो हेट्रोथेलिक बिहेवियर है वो बायपोलर है, मल्टीपल है और एक ही लोकस पर पाया जा रहा है। एग्जाम्पल है कोप्राइनस की स्पीशीज। दूसरा इसी में है टेट्रापोलर मल्टीपल एलील हेट्रोथेलिज्म। इसमें जो मल्टीपल एलील्स हैं वो दो अलग अलग लोकस पर पाए जाते हैं, टू लोकाई पर वो पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे टेट्रापोलर मल्टीपल एलील हेट्रोथेलिज्म। इसका एग्जाम्पल है अस्टिलेगो और कोप्राइनस की स्पीशीज। इस चित्र के माध्यम से हम फिर से पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। ये एक नॉर्मल प्रोटोपेरिथीशियम है, एक नॉर्मल लाइफ साइकिल के दौरान यहाँ पर एस्कस का निर्माण हुआ, हेटरोकैरियोटिक माइसीलियम बना, फ्यूजन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जो जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड है। फिर उसमें मियोसिस हुई और मियोसिस के बाद हेप्लॉइड चार न्यूक्लियस बने। यहाँ पर एक बार और माइटोसिस होगी और उससे आठ हेप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे। नॉर्मल एसेक्सुअल, नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम एस्कोमाइसिटीज में देखते हैं, उसी तरह का एक एस्कस के अंदर आठ हेप्लॉइड एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है। ये आठ हेस्कोस्पोर्स जो बने हैं ये मिसबिहेव कर सकते हैं, इनमें अपना जेनेटिक नेचर, मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजी अलग अलग हो सकती हैं, और ये जब जर्मिनेट करेंगे तो ये दो अलग अलग तरह के माइसीलियम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये दो अलग अलग माइसीलियम आगे चलकर नॉर्मल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो अलग अलग तरह के कोनिडिया बनाएंगे। जैसे इससे उत्पन्न कोनिडिया जो है उसको हमने स्मॉल ए कहा है, और इस माइसीलियम से उत्पन्न कोनिडिया को हमने कैपिटल ए कहा है। अब ये कैपिटल ए और ये स्मॉल ए जो है ये ऑपोजिट मेटिंग टाइप बन गए। आगे जब इनमें हेटरोथेलिज्म होगा, तब जब यहाँ पर फ्यूजन की बारी आएगी, तब कैपिटल ए के जो कोनिडिया है ये स्मॉल ए के मेटिंग टाइप से फ्यूज करेंगे, और स्मॉल ए के जो कोनिडिया है ये कैपिटल ए के मेटिंग टाइप से फ्यूज करेंगे, और यहाँ पर इनके बीच फिर से फर्टिलाइजेशन होगा और एक नॉर्मल प्रोटोथेरियम का निर्माण होगा। हमारा लेक्चर का दूसरा हिस्सा पैरासेक्सुअलिटी। पैरासेक्सुअलिटी एक दूसरी घटना है जो फंगस की लाइफ साइकिल में होती है। इसको सबसे पहले 1952 में
पोंटेकॉर्वो और रॉपर ने, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस घटना को खोजा और इस घटना की स्टडी की एस्परजिलस निडुलेंस में, जो एक इम्परफेक्ट स्टेज है आर्मिलेरिया निडुलेंस। देखा गया कि ये जो पैरासेक्सुअलिटी की घटना है उन फंगस में ज़्यादातर पाई जाती है जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, या हम कहें कि क्लासिफिकेशन में हमने जो इम्परफेक्ट फंजाई वाला ग्रुप रखा है उनमें इस तरह की घटना को देखा गया। ये देखा गया कि नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ साइकिल में प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस एक सामान्य सी घटना और एक के बाद एक होने वाले सीक्वेंशियल प्रोसेसेस हैं, पर इन पैरासेक्सुअल स्पीशीज़ में ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में होगी पर किसी खास समय और किसी खास पॉइंट पर इनमें बदलाव पाया जाएगा, और इसी बदलाव के कारण इसको हम नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ साइकिल ना कह के पैरासेक्सुअल लाइफ साइकिल कहते हैं। ये लाइफ साइकिल सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहलाती है, जिससे कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। आगे चलकर इस घटना को बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में भी देखा गया। ये जो पैरासेक्सुअल साइकिल है सात स्टेप्स में, सात पदों में पूर्ण होती है। पहला पद है फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम, दूसरा है फ्यूजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई या कैरियोगेमी, तीसरा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, चौथा है ओकेशनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर, नेक्स्ट सॉर्टिंग ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, ओकेशनल हेप्लोडाइजेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, और अंतिम पद है सॉर्टिंग ऑफ न्यू हेप्लॉयड स्ट्रेन्स। सारे पदों को हम थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। पहला, फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम। हेट्रोकैरियोटिक मतलब एक ही माइसीलियम में, एक ही सेल में दो अलग अलग ओरिजिन के न्यूक्लियस का पाया जाना। एक नॉर्मल प्रोसेस के दौरान एनास्टोमोसिस होगी माइसीलियम में, और एनास्टोमोसिस मतलब मिश्रण का निर्माण, सम्मिलियन जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं। अलग अलग जेनेटिक कॉम्बिनेशन के न्यूक्लियस सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। इस दौरान नॉर्मल न्यूक्लियस या कोई फॉरेन न्यूक्लियस भी माइसीलियम के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसी दौरान म्यूटेशन के कारण भी होमोकैरियोटिक माइसीलियम जो है वो हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम में बदल सकता है। किसी भी कारण से हमारा माइसीलियम पैरासेक्सुअल साइकिल के पहले पद में हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम के रूप में परिवर्तित होगा। दूसरे पद में जो हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम के अंदर पाए जाने वाले दोनों न्यूक्लियाई है उनके बीच फ्यूजन होगा, जिसको हम जानते हैं कैरियोगेमी। ये फ्यूजन भी दो तरह से हो सकता है, बिटवीन लाइक न्यूक्लियाई, एक जैसे न्यूक्लियाई के बीच, या किसी फॉरेन न्यूक्लियाई, दो फॉरेन न्यूक्लियाई के बीच, जो कि हम कह सकते हैं अनलाइक, एक जैसे ना होने वाले न्यूक्लियाई के बीच होगा। इन दोनों के फॉर्मेशन से, इस तरह के फ्यूजन से हमको होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस डिप्लॉयड न्यूक्लियस मिल सकते हैं। यदि एक जैसे न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे तो होमोजाइगस डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा, या अनलाइक न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तो हेट्रोजाइगस डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा। इस पूरे प्रक्रिया से हमें पांच तरह की न्यूक्लियस मिल सकते हैं, जिसमें कि दो हेप्लॉयड न्यूक्लियस, मान लो किसी कारण से फ्यूजन नहीं हुआ है, कैरियोगेमी नहीं हुई, तो हेप्लॉयड ए न्यूक्लियस और हेप्लॉयड बी न्यूक्लियस, इस तरह की स्थिति बनेगी। दो तरह के होमोजाइगस डिप्लॉयड, जिसमें कि ए ए और बी बी कंडीशन होगी, और एक तरह का हेट्रोजाइगस डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा जिसमें ए और बी का कॉम्बिनेशन होगा। तीसरी स्टेप है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन चुके हैं, अब ये नॉर्मल माइटोसिस प्रोसेस से मल्टीप्लाई होंगे, इनका नंबर बढ़ेगा। पर ये स्टडी हुई और उसमें देखा गया कि मल्टीप्लीकेशन में जो डिप्लॉयड हेट्रोजाइगस न्यूक्लियस है इनका मल्टीप्लीकेशन स्लो होता है, उसके अलावा जो हेप्लॉयड नॉर्मल न्यूक्लियस है उनका मल्टीप्लीकेशन फास्ट होता है, और रेशियो देखा गया एक के बीच 1000 के अनुपात में इनमें मल्टीप्लीकेशन होगा। चौथी स्टेप है ओकेशनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। इसी दौरान जो न्यूक्लियस के बीच मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तब उस दौरान न्यूक्लियर डिवीजन के समय क्रॉसिंग ओवर की घटना भी हो सकती है और नए कॉम्बिनेशन वाले क्रोमोसोम्स बन सकते हैं। इस तरह की कंडीशंस जो हैं वो हेट्रोकैरियोसिस की डिपेंडेंसी पर, उस पर आधारित है। पांचवा पद है सॉर्टिंग आउट ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। अब बने हुए न्यूक्लियाइड की छटनी होनी है। छटनी होने के बाद ये अपने अपने सेल्स में जाकर वहाँ से कोनिडिया का फॉर्मेशन करेंगे, तो कोनिडिया बनेंगे, डिप्लॉयड कोनिडिया से जर्मिनेट होकर बनेगा डिप्लॉयड माइसीलिया।
हालांकि देखा गया कि ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई वाला माइसीलिया है या कोनिडिया है, ये साइज में काफी बड़ा होता है और आसानी से पहचाना जा सकता है। छठवीं स्टेप है ओकेजनल हेप्लोडाइजेशन। उसी दौरान कुछ जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, जिससे कि डिप्लॉयड कोनिडिया का निर्माण होना है, वो हेप्लॉयड कोनिडिया के रूप में या हेप्लॉयड न्यूक्लियस के रूप में परिवर्तित होते हैं। ये घटना कहलाती है एन्यूप्लॉयडी। इस घटना में जो नॉर्मल डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना था, चाहे वो हेटरोकैरियोटिक या होमोकैरियोटिक था, वो हेप्लॉयड न्यूक्लियस के रूप में बदलता है और उससे हेप्लॉयड माइसीलियम का जन्म होता है। सातवां और अंतिम पद, जिसमें कि न्यू हेप्लॉयड स्ट्रेन की छटनी होगी, सॉर्टिंग होगी, और माइसीलियम हमारे पास दो तरह के बनेंगे, हेप्लॉयड न्यूक्लियस वाला हेप्लॉयड माइसीलियम और डिप्लॉयड न्यूक्लियस वाला डिप्लॉयड माइसीलियम। हालांकि इस तरह के जो माइसीलियम बनेंगे, ये जेनेटिकली एक दूसरे से काफी अलग होंगे। इस पैरासेक्सुअल साइकिल के कंसिक्वेंसेस, परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? हेप्लॉयड न्यूक्लियस लाइक बोथ द पेरेंट्स, पुराने अपने पेरेंट्स के आधार पर उसी के जैसे बनने वाले हेप्लॉयड न्यूक्लियस का निर्माण होगा, मतलब पैरासेक्सुअल साइकिल सक्सेसफुल नहीं हुआ है। दूसरा घटना बन सकती है कि नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के हेप्लॉयड न्यूक्लियस बनेंगे जहां सॉर्टिंग हो रही है तब। फिर बहुत सारे डिप्लॉयड होमोजाइगस न्यूक्लियाई बनेंगे और बहुत सारे डिप्लॉयड हेटरोजाइगस न्यूक्लियाई बनेंगे। इनकी बनने की घटना पैरासेक्सुअल साइकिल में बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की घटना होती है और ये सामान्य घटना है जिसमें कि हेप्लॉयड न्यूक्लियस से हेप्लॉयड माइसीलियम का निर्माण होगा। इस चित्र के माध्यम से हम देखें, पहली स्टेप है हेटरोकैरियोटिक माइसीलियम का बनना, फिर दूसरी स्टेप माइसीलियम न्यूक्लियस का फ्यूजन होना, लाइक या अनलाइक न्यूक्लियस एक दूसरे से फ्यूज होके डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन रहे हैं। ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन रहे हैं, उनकी सॉर्टिंग हो रही है। सॉर्टिंग के बाद इनमें हेप्लोडाइजेशन भी होगा और हेप्लोडाइजेशन के बाद माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर से ये फिर से हेप्लॉयड कोनिडिया बनाएंगे। हेप्लॉयड कोनिडिया से जन्म होके ये दो तरह के बना सकते हैं, डिप्लॉयड कोनिडिया वाले डिप्लॉयड माइसीलियम और हेप्लॉयड कोनिडिया वाले हेप्लॉयड माइसीलियम। ये चित्र आपको और समझने में आसान करेगा। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। हमारे पास दो नॉर्मल माइसीलियम थे, इनमें एनास्टोमोसिस हुआ और इस तरह की प्लाज्मोगेमी पहले हुई और इस तरह का माइसीलियम हमारे पास बना। ये हेटरोकैरियोटिक माइसीलियम, जहां पर दो अलग अलग तरह के न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। इन न्यूक्लियस में फ्यूजन होगा, लाइक और अनलाइक दोनों तरह के फ्यूजन्स हो सकते हैं और यहाँ डिप्लॉयड माइसीलियम बन गया। ये जो है वो हेप्लॉयड न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दोनों जो है वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनमें फिर माइटोसिस होगी, नंबर्स बढ़ेंगे और नंबर्स बढ़ने के बाद हमारे पास तीन तरह की स्थिति आ सकती है। हेप्लॉयड पुराने वाले, ये भी हेप्लॉयड पुराने वाले और ये डिप्लॉयड जिसमें कि एनास्टोमोसिस हुई है। फिर इनमें फिर से हेप्लोडाइजेशन होगा और हेप्लोडाइजेशन के बाद नॉर्मल माइसीलिया प्रोड्यूस हो सकते हैं। इस दौरान इनके बीच जेनेटिक वेरिएशंस होंगे और उन जेनेटिक वेरिएशंस के कारण नए तरह के स्ट्रेन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। इस पैरासेक्सुअल साइकिल का महत्व देखें हम, ये पैरासेक्सुअल साइकिल इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट फंगस, जिसके कि हम बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं, उनकी कमियों को दूर किया जा सकता है। इनमें नए तरह के फंगस का निर्माण हो सकता है, नए तरह के प्रोडक्ट्स उनसे बन सकते हैं, उनमें हम म्यूटेशन करवा कर किसी तरह से नए तरह की स्ट्रेन का निर्माण कर सकते हैं। फिर पैरासेक्सुअलिटी को हम जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और परफेक्ट और इनपरफेक्ट फंजाई के बीच होने वाले परिवर्तन, होने वाले बदलाव और होने वाले अलग अलग गुणों को हम स्टडी कर सकते हैं। पैरासेक्सुअल साइकिल हमारे जेनेटिक कंट्रोल को भी हेल्प करता है, उसकी स्टडी को हेल्प करता है। पैथोजन की जो पैथोजेनिसिटी है, रोग उत्पन्न करने की शक्ति है, उसके रोज होस्ट रेंज का सिलेक्शन है, उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं और किस तरह से कोई पैथोजन अपने होस्ट को पहचानता है, उसकी पैथोजेनिसिटी की कमी और अधिकता को हम स्टडी कर सकते हैं। यहाँ हम कंपैरिजन करें कि नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल और पैरासेक्सुअल साइकिल में क्या अंतर है। तो नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल में स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसको हम गेमीट्स कहते हैं, उनके बीच फ्यूजन होगा और नॉर्मल साइकिल बनेगी। यहाँ पर किसी भी तरह का न्यूक्लियर फ्यूजन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स में नहीं होगा।
नॉर्मल साइकिल में जब जायगोट बनता है वो एक ही जनरेशन तक सीमित रहता है, वहीं तक वो सुरक्षित रहता है। यहाँ पर बनने वाला जायगोट बहुत बार माइटोसिस से डिवाइड होगा और बहुत बार उनमें डिविजन्स होंगे। यहाँ मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन बाय मियोसिस क्रॉसिंग ओवर एंड रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर नॉर्मली पॉसिबल है। यहाँ रिकॉम्बिनेशन रेयर माइटोसिस से होगा और माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर भी होगा। नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल से जो प्रोडक्ट है वो बहुत आसानी से पहचाने जा सकते हैं। यहाँ पर उनको पहचानने के लिए सूटेबल मार्कर्स की जरूरत पड़ती है।